A first-of-a-kind marriage that was witnessed in Bhubaneswar on Thursday saw a transgender marrying a man with proper Hindu rituals. This unique marriage became possible because of Section 377 of the Indian Penal Code and the initiative taken by the government to bring the lesbian, gay, bisexual and transgender community into the mainstream. इंडिया में जो नहीं हुआ है आज मैं वो करके दिखा रही हूँ लोगों का जो सोचना है कि कोई किन्नर एक मतलब शादी नहीं कर सकता है ना ही वो माँ बन सकती हैं वो मैं प्रूफ करके दिखा रही हूँ मैं एक्चुअली हम लोग भी नारी हैं और हम लोग की मन भी है कि हम लोग भी घर करें कोई जीवन साथी ढूंढें और हम लोग भी आप जैसे हैं हम लोग भी मनुष्य हैं तो आप लोग ये मत सोचिए और आज मेरी शादी है मैं इसके लिए बहुत खुशी हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ वासुदेव जी को जो इतने बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं कि किन्नर को उनकी पत्नी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनकी तरफ से वो अरेंज मैरिज है उनकी तरफ से प्रपोजल आया था उनके घर की तरफ से उसके बाद ही मैरिज हो रहे हैं कुछ नहीं मेन स्ट्रीमिंग होना और मैं एक मनीष हूँ मेरा भी अधिकार है मैरिज करना शादी करना और घर बसाना ये सब मेरा अधिकार में होता है संविधान ने सब मनुष्य को सब अधिकार मिला है तो वही कारण है कि लोग सोचे और थोड़ा समझे कि हम लोग भी मनुष्य हैं हम लोग भी अधिकार हैं उनके बेटे को भी मैंने जरूर अपना मतलब अपनाया है क्योंकि मैं भगवान ने मुझे जो अधूरापन दिए थे कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ वो इसीलिए मैं उसके लिए गर्वित हूँ कि मैं भी माँ बन सकती हूँ सुप्रीम कोर्ट का बाद ही ये ऑल इंडिया ओवर में पहला शादी है तो ये शादी जो है लोगों को आगे की जो किन्नर समाज को और बाकी पुरुष जो है जो रिलेशनशिप में रहते हैं किन्नरों के साथ तो उन लोग के लिए बहुत अच्छी मैसेज आएगी द एलजीबीटी कम्युनिटी ऑफ भुवनेश्वर अटेंडेड द वन ऑफ अ काइंड वेडिंग टू ब्लेस द ब्राइड एंड ग्रूम